आज भाई की दुकान पे आए हैं। जिम तो ओपन हो गया भाई, कर दिया जिम को ओपन। बारिश आ रही है अभी, थोड़ा चल के बियर्ड सेट करा लेता हूँ ना, क्योंकि देखो क्या सीन कुछ ऐसा है कि कल रक्षाबंधन है, तो थोड़ा सा शक्ल थोड़ा सही कर लेते हैं अपना, ठीक है ना। आई थिंक 10 डेज तो हो गया बियर्ड सही करवाए। चलो अगेन, जहाँ से मैं हमेशा कट करवाता ना वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि दूर है थोड़ा सा, इसलिए जिम के पास में जो है वहीं चलते। संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा रश है भाई, मतलब क्या ही कहूँ, गलत दिन चूज़ कर लिया हेयर कट करवाने के लिए यार मैंने तो। कोई नहीं, तो बोल रहे आधे घंटे तो टाइम लगेगी, अब आधे घंटे बाद देखते हैं। जस्ट अभी रूम पे आया हूँ, जल्दी आ गया जिम से, क्योंकि अभी जाना है बहनों के पास। तो चलो जल्दी से मैं अभी नहाऊँगा के रेडी वेडी हूँ और जल्दी से भागता हूँ, ठीक है। कम से कम 2 घंटे लगेंगे मेरे को मेट्रो से जाने में, सो चलो जल्दी से नहा लूँ। भाई साहब गर्मी, फाइनली रेडी हो गया तुम्हारा भाई, चलते हैं हम जल्दी से, ठीक है ना। एक तो ऐसे लेट हो गया हूँ, ऊपर से भाई साहब एक सब्सक्राइबर भी मिल गया, फोटो दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे। वो बेचारा अपना फ़ोन घर पे भूल गया था, बोला भैया फ़ोटो लेना, तो मेरे को मैं कोई नहीं भाई, मेरे फ़ोटो से क्लिक मतलब मेरे फ़ोन से क्लिक कर ले, मैं तुझे DM कर दूँगा DM इंस्टा पे। तो भाई 10 बज चुके हैं, ये मेट्रो के झमझम बहुत ही अलग है बहन चोत, बट कोई नहीं चलते हैं। तो फाइनली रिक्शा लेके जल्दी से जा रहे हैं भाई, मैं नहीं चाहता कामों का लेट हूँ मैं। ये बात ये थी ना, क्या संडे था और संडे को क्या सीन है कि जिम खुलता है 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, और मेरे अलावा कोई ट्रेनर भी नहीं था मतलब जिम पे, तो इसलिए मैं छुट्टी कैसे ही लेता, वरना बाकी टाइम हमारा 2 टाइम का शिफ्ट रहता है, सुबह रहता है 6 से 11 और बाकी इवनिंग में रहता है मेरा। अगर बाकी कोई और दिन रहता ना, मंडे ट्यूसडे या कोई भी दिन रहता, तो सुबह की ड्यूटी कर लेता और इवनिंग में निकल जाता, बट सीन संडे पड़ गया और कोई ट्रेनर है नहीं, तो जिम में कैसी सब चीज़ मैनेज होगा। तो उसके चक्कर में छुट्टी ले नहीं पाया था, जैसे तैसे करके मैं 9 बजे निकला, फिर आपके सामने सब नहाया वहाया रेडी वेडी हुआ और जस्ट अब निकला हूँ, ठीक है। और रास्ते में वो भाई मिल गया था, तो थोड़ा सा बातचीत करने लग गया, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। टिकट बुक कर रहा हूँ मेट्रो का, तो वो भी नहीं हो रहा, बोल रहे कि भाई जाकर काउंटर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऑप्शन आ गया ना व्हाट्सएप से कर सकते हो बुक टिकट, बट कोई नहीं चलो। पता नहीं मेट्रो कितने बजे तक चलती है, मेरे को खुद आइडिया नहीं इस चीज़ के बारे में, बट कोई नहीं। कितने हुए? 100 कुछ चीज़ें ले लेते खाने पीने के लिए भाई, रात को ऐसी हो गई, कुछ खाया पिया भी नहीं है मैंने तो। मेट्रो कब जाना बंद हो जाएगी पता ही नहीं है यार, कोई नहीं चलो बहन चुप कर सकते हैं। अभी इतनी रात को क्या ही खाता पीता, तो कुरकुरे ले लिए, केक ले लिया और जो रहता है, और भी 2-3 चीज़ें ले लिया मैंने जल्दी जल्दी। बहुत मुश्किल से मेट्रो मिल गई भाई, लग नहीं रहा अंधेरा अंधेरा भाई, मेट्रो से आगे नहीं मिल रही मेरे को, अब बता तो सकता नहीं कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ ऐसा कुछ, तो मतलब जहाँ पे जाना उससे पहले ही मेट्रो चलना बंद हो गई, बट ठीक है काफ़ी दूर तक अच्छा आ गया हूँ मैं, अब रिक्शा करते हैं ऑटो करते हैं फिर चलते हैं आराम से। अभी कितना हो रहा है, 12 बज रहे पता तुम्हें, मैडम फोन छोड़ के जाना पड़ेगा।
आज आए हैं गाइस खूब सारी शॉपिंग करने के लिए। बताओ टी शर्ट पहनने नहीं आ रही है और फिर कहते हैं मेरे को कपड़े पहनने आते हैं। मैंने क्यों बोला? क्या कह रहा है? बस उतारना आता है। छोटी है क्या ये? छोटी लग रही है मेरे को। छोटी है, छोटी है। आज भाई की दुकान पे आए हैं। हाँ, क्या कमेंट करने वाला था भाई ना कि मेरे दुकान पे आ जाओ। इतने सारे तो देख लिए भाई। देख तो मेरे हंसी अच्छे नहीं तो भी बोलते हो। नहीं ठीक है भाई। भाई सुबह से भाग भाग के ना बहन चो बॉडी थक गई है पूरी तरीके से। अब पिज्जा खाते हैं, चलते घर वापस दोबारा से। चल के भी वीडियो एडिट करनी है, अभी अपलोड भी करना है। भीड़